तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन जैसा कि एक नए सुपरस्टार बन चुके हैं, काफी लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी फिल्म जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, यानी कि शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, यानी कि भूल भुलैया 2 ने। अब दोस्तों, इस फिल्म की वजह से कार्तिक आर्यन का स्टारडम काफी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि उनका भाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो फिल्में पेंडिंग में थी उन फिल्मों पर भी काम शुरू हो गया है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी पर क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की आने वाली अगली फिल्म, जिसका नाम होगा सत्यनारायण की कथा। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर के खुलासा हो चुका है, यानी इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है सोशल मीडिया पर, जिसमें कियारा आडवाणी हमें लीड रोल में देखने को मिलेंगी कार्तिक आर्यन के साथ। यानी दोस्तों, एक बार फिर वही जोड़ी, भूल भुलैया 2 वाली जोड़ी हमें देखने को मिलेगी सत्यनारायण की कथा में। अब दोस्तों, फिल्म के नाम को लेकर के पिछले दिनों बहुत सारी खबरें आई थी कि यार इस फिल्म का जो नाम है सत्यनारायण की कथा, ये ठीक नहीं है। इस पर बहुत सारा विरोध किया गया था फिल्म के टाइटल को लेकर के। अब दोस्तों, ऐसे में वो बात भी क्लियर हो चुकी है, यानी कि अब इस फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा नहीं होगा बल्कि सत्य प्रेम की कथा होगा। दोस्तों, एक शानदार खूबसूरत नाम दिया गया इस फिल्म को, यानी कि सत्य प्रेम की कथा, कितना शानदार टाइटल है। अब दोस्तों, कुल मिला के बात करें तो कार्तिक आर्यन, उनकी जो पेंडिंग में फिल्में थी, यानी कि अभी देख लीजिए अला बैकुंठ पुरा मल्लो का जो हिंदी रीमेक आ रहा है शहजादा, उसकी भी रिलीज डेट 2023 में कर दी गई। उसके बाद सत्यनारायण की कथा, वो भी आने वाली है, जो कि 2023 में मुझे लगता है कि देखने को मिलेगी। फर्स्ट लुक आ चुका है, यानी कि कार्तिक आर्यन आज एक अलग ही लेवल पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन की आने वाली नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? क्या आप लोग भी इस फिल्म का इंतजार काफी बेसब्री से कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये फिल्म कितने रुपए की कमाई कर सकती है? फिल्म को कब देखना पसंद करेंगे? कुछ भी कहना चाहते हो तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें।